हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काल का आपको क्या आशीष दे रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काल का आपको क्या आशीष दे रहे हैं, आपको क्या वरदान दे रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, इनोसेंस। ओह माय गॉड, टर्निंग इन। ओके, देखो माँ काल का क्या कह रहे हैं कि आपको भोला भाला समझकर दुनिया ने बहुत ठगा है आपको, काफी सारे लोगों ने ठगा है गाइस। हो सकता है कि आपके अपनों से भी, हो सकता है कि आपको परेशानियां झेलनी पड़ी है और बाहरी लोगों से भी आपको चोट मिली है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं किसी इंसान का बिल्कुल चेंज हो जाना। आप बहुत भोले थे एक समय में, या बहुत कह सकते हैं हर एक किसी इंसान पर ट्रस्ट करने वाला इंसान, कुछ ऐसा कि मैं अच्छा हूं तो पूरी दुनिया अच्छी है, जैसा सत्य या सच्चा बोलने की आदत मेरी है, या मुंह पर स्पष्ट बोलने की आदत जो मेरी है, मन में किसी तरीके का मैल ना रखने की आदत जो मेरी है, वैसी और लोगों में भी होगी। इनोसेंस इतना ज्यादा गाइस कि छल और कपटी लोगों को एक बार में क्या, कईयों बार में भी ना समझना, बार बार किसी इंसान को माफी देना और फिर से उन पर ट्रस्ट करना, फिर से उनसे छल पाना, ये कईयों बार आपके साथ हुआ है गाइस। मतलब ये क्या है पता है, ये आप यूं समझते हो कि समय है, दुनिया है, कभी समय का खेल हो जाता है। कोई इंसान परिस्थिति के विवश होकर कुछ गलत कर लेता है तो एक बार उसे माफ करना चाहिए, दो बार उसे माफ करना चाहिए, है ना। उदारता किसी इंसान की बहुत, कहता है ना, खुद पर ही इतनी हावी पड़ गई कि उनकी उदारता ने ही उनके लिए एक बुरी परिस्थितियों को क्रिएट कर दिया। लेकिन कहता है ना कि गैस कब तक, हर अति का एक अंत होता है। तो अब आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा छल कपट देखा, या कुछ ऐसी बुरी परिस्थितियां, मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड इंसानों से आपने देखी है कि आपने सोचा नहीं था कभी इनसे भी धोखा खाना मिल जाएगा आपको, और उसके पास से आपकी लाइफ में एक चेंज आया गाइस, और ये चेंज आपको चेंज कर गया, है ना। मतलब एक ऐसे मोमेंट पर आपकी लाइफ आकर रुक गई जहां पर माँ काल का कहते हैं कि ये चेंज आप में आना बहुत जरूरी था बेटा, क्योंकि अगर आप नहीं बदलते तो ये दुनिया आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देती, जो आपके लिए अच्छा नहीं रहता। अब आप में कोई चेंज आया है, आपके व्यवहार में चेंज आया है, आप ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करते हो, या हो सकता है कि कई सारे लोगों की आदत होती है कि लिहाज में आकर मैं किसी इंसान को ना ना कहूं, है ना, कोई सामने से गलत कर रहा है मैं सहता जाऊं सहता जाऊं, ये वाली बात, या गलत परिस्थितियों में भी मौन रहना। अब उन चीजों में बदला एक तरीका आया है गाइस आप में परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने का। माँ काल का आपके लिए एक बड़ा विशेष बात कह रहे हैं। देखो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हो माता से संबंधित, या दुर्गा कवच कर रहे हो, या आप कोई ब्लैक मैजिक से परेशान हो, ऐसे किसी तरीके की एक नकारात्मकता से आप परेशान हो, उससे छुटकारा पाने के लिए। पहली बात तो आपकी लाइफ में एक चेंज आया है, ये पक्का है, टावर मोमेंट आपकी लाइफ से गया है, किसी ने आपको छला है, बुरी तरीके से छला है, इतनी बुरी तरीके से कि आपका दिल दुखे, उस बात को आप भूल ना पाओ लाइफ में कभी भी, आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, ये जो मोमेंट आपकी लाइफ से गया है ना, इसको आप कभी भूल ना पाओ। मतलब इस मोमेंट का मतलब, इससे उठाया हुआ सबक जो है ना, इसे आप भूल ना पाओ, ये छवि आपके दिमाग में छाप कर गई है। तो माँ काल का क्या कहता है कि इस सिचुएशन में तो आपको बदलना था ही, ठीक है, सबक उठाना था ही, लेकिन
आप जो ये दुर्गा कवच कर रहे हो या किसी भी माता से संबंधित कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, सुन रहे हो ना, वो आपके लाइफ में आपके लिए सुरक्षा का कवच बन रहा है। वो आपको हर तरीके की नकारात्मकता से या नकारात्मक लोगों से आपको दूर कर रहा है, अपने आप दूर हो रहे हैं गाइस। काफी सारे लोग छूटते जा रहे हैं, आपके फ्रेंड ग्रुप से हो सकता है कि आपके मित्रों से। जो मुझे ऐसा क्यों लगता है गाइस कि लोग आपके बारे में ना उचित बोलना पसंद ही नहीं करते, मतलब मजाक में ही सही लेकिन आपके बारे में गलत कहेगा। और आपका एक बार खटकता है मन कि मैं किसी के बारे में मजाक में भी गलत ना कहूं, कोई मेरी लाइफ के बारे में इतना गलत क्यों बोलता है, कठोरता इतने शब्दों में क्यों, कि किसी को ये समझ में नहीं आता कि हर वक्त अच्छा बोलना चाहिए। या अगर वो इंसान खुद के बारे में वैसे शब्द काम में नहीं ले रहा तो वो आपके बारे में क्यों ले रहा है, और फिर बाद में कह देता है मजाक किया था। ऐसा कैसा मजाक? तो मुझे ऐसा लगता है काफी सारे लोगों से आप काट रहे हो, आप है ना एक दूरी बना रहे हो कि मुझे चाहिए मानसिक शांति, और ये लोग जो मेरी मानसिक शांति को भंग कर रहे, मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। और अगर ऐसे लोग हैं जैसे नातेदार, रिश्तेदार, करीबी लोग, तो वहां पर एक जितनी काम उतनी बात करके आप लाइफ में एक एक मेंटेन करना चाहते हो, बैलेंस में लेकर आना चाहते हो लाइफ। ये चीजें ना बहुत बहुत बाद में आपको समझ में आई है गाइस, और ये व्यवहार, ये एटीट्यूड आपका नकारात्मकता से आपको बचा रहा है, सच्ची कह रही हूं। और माता की प्रसन्नता आप पर इतनी अच्छी है, माता कह रहे हैं कि आपको हर तरीके के संकट से बचाया जाएगा, अब कोई भी आपको कभी भी छल नहीं सकता, आपको ऐसी बुद्धि देंगे, इतना आशीष देंगे कि कभी कोई आपको पीड़ा ना पहुंचा पाए, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है गाइस, आपको ट्रिगर दिया गया है बदलने के लिए, और आप में वो बदलाव आ गया। माँ इससे बहुत प्रसन्न है क्योंकि ये बदलाव आपके ऑरा को इस तरीके से निर्मित करेगा गाइस कि कोई किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक हो, किसी भी तरीके की नकारात्मकता हो, या कोई ऐसी बुरी कंडीशन गाइस जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हो, आपको फील होती है ना कि कोई आपको ऐसा लगता है कि मन में कुछ सुनाई दे रहा है आपको। मैं इंट्यूशन की बात नहीं कर रही, मैं इल्यूजन की बात कर रही हूँ, या इल्यूजन भी, या कुछ ऐसे नेगेटिव शब्द आपके बारे में आपको ऐसा लगता है कि आपको सुनाई दे रहे, ऐसी सारी नकारात्मकता से निजात मिलना गाइस आपको। माँ कालका के दर्शन करते हैं ना गाइस, चाहे आप प्रार्थना करो ना करो, है ना, माँ कालका के दर्शन करो सिर्फ। अगर अभी भी आपको लगता है आप ब्लैक मैजिक से परेशान हो, किसी नेगेटिविटी से परेशान हो, आप सिर्फ माँ कालका के दर्शन कर लो। कुछ भी मत कहो, आप कुछ भी मत कहो, आपकी लाइफ के कोने कोने से अगर कोई ऐसा इंसान नकारात्मक है या आपको हानि पहुंचाने वाला है जो आपको पता भी नहीं है, आप बहुत हितैषी समझ रहे हो ना, तब भी देख लेना आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, इनको कहने भर की आवश्यकता नहीं होती गाइस, है ना, ये बात सच है। जब ये आप एक्सपीरियंस करोगे ना तब आपको पता चलेगा, है ना, धीरे धीरे आपके साथ न्याय होता जा रहा है, होता जा रहा है, और न्याय होना स्टार्ट भी हो चुका है। जिन जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, वो उनके साथ क्या हो रहा है वो आपको समय बता देगा, ठीक है। आप अब अपनी अवेकनिंग पर ध्यान दो, और माता पर बिलीव रखो कि अगर उन्होंने अपनी छत्र छाया में आपको लिया है, अपने आंचल में आपको लिया है ना, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उस डर को त्याग दो, है ना। ये देखो कहा ना, माँ कालका का आशीर्वाद है, माँ कालका आपको फिनेंशियल ग्रोथ देने वाले हैं, माँ कालका आपको पैसों के तौर पर बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने वाले हैं, अबंडेंस देने वाले हैं, फ्लोरिंग करने वाले, खिलाने वाले हैं। यहाँ पर खिलने वाली एनर्जी है गाइस, कि एक बार सिचुएशन कहता है ना पूरी तरीके से खत्म हो गई, खत्म हो गई मतलब अंत किसी चीज का हुआ, और वापस से एक आरंभ हुआ तो वो बड़ा सुखद हुआ गाइस, एक प्रोटेक्शन के साथ में। ये देखो प्रोटेक्शन, अब अगर आपको अबंडेंस भी मिलेगी ना, तो आपकी स्थिति ऐसे ऐसे बार बार कहता है ना वो होने वाली नहीं है, अब ग्रोथ की तरफ ही बढ़ना है ना, सफलता की तरफ ही बढ़ना, ऐसी चीजें होंगी आपकी लाइफ में। आप बहुत कुछ चाहते हो गाइस, आपकी इच्छाएं बहुत सारी है। हो सकता है आपको, आपने सोच रखा है कि कभी मेरे पास इतना पैसा होगा ना तो मैं ये करूंगी, वो करूंगा, इतना ट्रैवल करूंगा, या ये मतलब कुछ ख्वाहिशें आपकी है जो मन ही मन में है, पर
माता तो जानते हैं, कहा ना माता के लिए आप, ये जरूरी नहीं है कि आप उनके सामने अपने शब्दों को व्यक्त करके ही अपनी बात को रखो, या अपने शब्दों को काम में लेकर ही उनके सामने अपनी बात को रखो। माँ तो बच्चे के कहे बिना ही समझ जाते हैं गाइस, है ना। एक और बात मैं कहूँ, ना केवल आपको फिनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। ये रेड और ब्लू कलर का कम्बिनेशन है ना, ये हो सकता है आजकल इन दिनों में आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे समय में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां आपकी लाइफ में बननी जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा, या आपकी लाइफ में एक टर्न लेकर आए, एक चेंज लेकर आए, आप अवेकन हो जाओ। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना गाइस, मैं सच कह रही हूँ कि आपके चक्रास का इतना बैलेंस में आना, आपको काफी सारी चीजों का इस संबंध में स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ज्ञान होना, आप अपने मकसद को पहचान लो, हर तरीके की नकारात्मकता से आपको निजात मिलना। और अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना गाइस, तो ये नॉर्मल बात है कि आपको नकारात्मकता बहुत फील हो, या फिर कोई ऐसे नेगेटिव एनर्जी का इंसान भी अगर आपके पास से निकलेगा ना, तो आपका दिल धड़कना, घबराहट होना, ये सब चीजें होती है। आपके हो सकता है हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा होगा। जब से हो सकता है आपने मेडिटेशन करना या ध्यान करना स्टार्ट किया, तब से आपकी हेल्थ जो है ना वो और डाउन में जा रही है, और आपको लग रहा है अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब क्रम है गाइस। स्पिरिचुअल जर्नी में किसी इंसान को ना हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है गाइस, है ना। तो मैं वही शेयर करूंगी कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी बंदे स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, कहीं ना कहीं उनका मकसद जो है ना हीलिंग होता है अलग अलग रूप में, है ना। जैसे आपका हो सकता है कि कोई पर्पस होगा, या आपने खुद ने सोच रखा होगा कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ ये काम, चुनिंदा काम सोच रखे हैं। हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छा हीलिंग का काम है गाइस, कि किसी इंसान को ठीक करना जो मरने तक की अवस्था में होता है, और उसमें भी प्राण देना भगवान का काम है गाइस, है ना। ये इतनी बड़ी हीलिंग, या अपने शब्दों से आप लोगों की तकलीफों को कम करने की कोशिश करते हो, मरहम लगाने की कोशिश करते हो, और ये कहीं ना कहीं क्वालिटी आपने अपने में देखी है कि ये चीज मुझसे होती है। लोग एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करते हैं, उनका दुख थोड़ा कम होता है, या एक सही मार्गदर्शन देना, ये बुद्धि आप में होगी, तो हीलिंग का अलग अलग तरीका हो सकता है गाइस आप में। और जो भी लोग हीलिंग करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है गाइस कि उनकी हेल्थ पर इफेक्ट आता है ना, बट अपने आप ठीक हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं रहा होगा कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप कई सारे अपने हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू है उससे संबंधित दवाइयां ली होगी आपने, फर्क ही नहीं पड़ा, फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब क्या क्या पेन होता है मैं कैसे बताऊं आपको। जब से चक्रास बैलेंस होना स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट चक्रा होगा ना, एक्टिवेट होना लगता है ना, गुस्से का लेवल बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा चीजें इम्बैलेंस होने लगती है, परिस्थिति समझ में नहीं आती गाइस, इतना गुस्से का लेवल होना, कोई फैसला नहीं लेना या समझ में नहीं आना, दुविधाएं बहुत होनी। सेकेंड चक्र पर जब एनर्जी जाती है तो चीजें व्यवस्थित होना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी खाने पीने की आदतों में बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है, गुस्सा कम आना स्टार्ट होता है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे एनर्जी बैलेंस में आने लगती है धीरे 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 करके गुस्सा खत्म हो जाता है। सातवें चक्र तक आते आते किसी इंसान में इस तरीके का रूपांतरण होता है कि इतना भयंकर आक्रामक गुस्से का धनी व्यक्ति इतना शांत और शीतल कैसे हो गया, जबकि दोनों ही एनर्जी उस बंदे में है। और उतना यूनिवर्स की कनेक्शन में और ज्यादा बढ़ जाना, और उतना धीरे धीरे अपनी लाइफ में भी, दोनों चीजें गाइस, आध्यात्मिक जर्नी में भी, आध्यात्मिक यात्रा में भी प्रगति करना, और अपने ये जो सांसारिक जीवन है उसमें भी ग्रोथ का लेकर आना, दोनों ही जर्नी एक ही रास्ते पर चल रही किसी की। बहुत कुछ बाकी है आपकी लाइफ में पाने के लिए, महाकाल का कह रहे हैं कि वो आपके साथ बहुत बड़ा न्याय करेंगे गाइस। जितनी तकलीफें आपने भोगी है उन सबका एक सुखद फल उभर कर आपके पास आएगा, क्योंकि आप निर्दोष थे, ये आपको पता है, ये माँ कालका को पता है। आपने कितने बुरे झूठे आरोप सहे हैं, किस हद तक में आपको आरोपित किया गया है, किस हद तक में किसी शब्दों का प्रभाव आप पर कैसा पड़ा है, जो आज भी उभर उभर कर कभी
याद आ जाते हैं कि आपके बारे में क्या क्या शब्द बोले गए। वो माँ कालका को याद है, वो आपको उन शब्दों को भुलवा देंगे लेकिन वो याद रखेंगे। बच्चे का अपमान माँ को सहन नहीं होता, ये याद रखना है ना। प्लेफुलनेस, बिल्कुल लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं माँ काल का आपके, जहाँ आप निश्चिंत होकर जियो। एक्चुअल में देखो सिचुएशन कैसी बन रही है कि एक पौधा होता है ना गाइस, एक पेड़ जो होता है ना, वो ऐसी जगह पर पनपता है जहाँ पर मिट्टी वातावरण उसके अनुकूल हो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी के सिचुएशन में आपके साथ यही है कि आपको वो वातावरण और वो खुशी नहीं मिली गाइस, वैसे मिट्टी नहीं मिली, वैसा प्लेस नहीं मिला कि जहाँ पर आप खिल पाओ, फ्लोरिंग हो पाए आपकी, है ना। वो पनपना आपका वैसा हुआ नहीं है, आपकी लाइफ में शुरुआत ही नहीं हुई है गाइस हकीकत में। पर माँ काल का आपकी लाइफ में वैसे स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर कुछ नई शुरुआत तो आपकी लाइफ में हो, जो लगे कि एक अवेकनिंग आपकी हुई है, आपकी लाइफ में एक टर्न आया है, जो केवल महसूस करने में ना होगा, जो सामने से प्रकट हो आपके सामने स्थितियां जिनको आप जियो, जो साक्षात करो आप कि ये चीजें मेरी लाइफ में अच्छी हो रही है ना। मैं मालिक का प्यारा बच्चा हूं, मैंने हमेशा अच्छाई और नेकी को चुना, तो मेरी लाइफ में भी अच्छा ही हो रही है, अच्छा ही हो रहा है, मेरी लाइफ में मेरे साथ भी अच्छा हो रहा है ना। मतलब आपकी जर्नी को काफी सारे लोगों ने देखा है कि ये बंदा कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, और यही चीज, और आपके साथ जो लोगों ने गलत किया ना, वो भी देखा है, वो भी देखा है। आपके संघर्ष की परिस्थितियों को लोगों ने देखा है, आपके दुख की सिचुएशन को लोगों ने देखा है, और टकटकी लगा करके ये इतने हिम्मत वाला बच्चा है कैसे। एक्चुअल में आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या सिचुएशन को धारण किया। आप वो मेंढक वाली बात मैंने बताई ना, कि जितने मेंढक शोर शराबे करते हैं ना, उतना ही आगे बढ़ने के लिए बहरे मेंढक जैसी हरकतें करना, कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, है ना। आज अगर लोगों ने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की, अगर मैं सच्चा हूं, सच्ची हूं, तो वो लोगों के सामने आ जाएगा, मुझे प्रमाणित ही नहीं करना। कई बार किया होगा आपने, है ना, लेकिन एक समय ऐसा आता है गाइस जहां पर इंसान बिल्कुल ये सोचता है, आपको जितना गलत सोचना है ना मेरे बारे में सोच सकते हो, जितना जिस स्तर पर सोच सकते हो ना उस स्तर पर सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यही तो चीजें चेंज होती है गाइस, यहीं से समय चेंज होता है। आपकी लाइफ में आ रहा है एक नई शुरुआत जहां पर निश्चिंत होकर अब मुझे डर ही नहीं है, मुझे खौफ ही नहीं है, मुझे भय ही नहीं है। हर तरीके के खौफ पर, भय पर विजय प्राप्त कर लेना, खुद पर विजय प्राप्त करना सबसे पहले, है ना। खुद को संभालने की कोशिश करना, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद आपको मिल रहा है कि खुद को खिलाना, और वो स्थान, वो वातावरण आपको मिलना जहां पर आपको शांति मिले, सुकून मिले, आप खुश रह पाओ। आपको अब आसपास की बातों से उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है गाइस, कोई परेशान कर रहा है, कोई कैसा भी है, आपको फर्क नहीं पड़ना है। एकदम कहता ना, सुलझा हुआ इंसान हो जाना, माँ काल का आपको वो आशीर्वाद दे रही, बिल्कुल सुलझा दे आपको, आपकी लाइफ के पहेलियों को जो उलझी हुई है ना, उनको सुलझा दे। जो आपकी लाइफ में कुछ हिडन चीजें ऐसी हैं जो तकलीफ दे रही है ना आपको, उनको नष्ट कर दे, ताकि आप जो खिल रहे हो या आपकी लाइफ में जो अच्छा समय आ रहा है ना, उसमें कोई भी बाधक ना बने, ना कोई परिस्थितियां, ना कोई इंसान, ना आपका खुद का व्यवहार, है ना। ऑर्डिनरीनेस, गोइंग विद द फ्लो, जो जैसा चल रहा है अभी बिल्कुल वैसे उस धारा में चलने की कोशिश करो, है ना। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई अभी आपको दुखी करने की कोशिश कर रहा है ना, चिंता ही मत करो गाइस, इग्नोर करो, पूरा इग्नोर करो, है ना। आपका भी समय आ रहा है, आपका भी समय अच्छा चल रहा है। महाकाल का ने अगर आप पर दृष्टि दी है
तो सोच लेना गाइस कि जो कहा ना अभी कि उनको तो कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं होती, वो तकलीफ जड़ से खत्म करते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों का व्यवहार उठाकर सामने लेकर रखते हैं कि ये देखो ये बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा था, क्या कह रहा था, और इसकी सोच कैसी है ना। मन पर कंट्रोल करना अपने। और महाकाल का ये भी कह रहे हैं कि हर किसी पर बिलीव मत करना, अंधा विश्वास। जो पहले सबक लिया ना उनको याद रखना। हाँ, एग्जिस्टेंस, ये देखो माता मेरी ये इच्छा है पूरी होती नहीं है, बहुत लंबा समय बीत गया, मेरी इच्छा पूरी होगी नहीं होगी, छोटा बच्चा करता है ना। बिल्कुल वैसा। और माता यही चाहते हैं, माता को अपने बच्चे का यही रूप बहुत पसंद है कि बेटा आप खुश रहो, आपकी लाइफ की जो भी तकलीफ है ना, या आपकी जो इच्छा है वो कब पूरी करनी है, किस प्रकार पूरी करनी है, वो माँ जानते हैं, है ना। माँ कालका का प्रभाव कुछ ऐसा होता है गाइस। देखो नंबर 8 की एनर्जी है ना, वो कहती है कि अनंत काल की ब्लेसिंग, माता के दो रूपों को स्पष्ट और साक्षात रूप में महसूस करना। उनका सौम्य रूप भी है जो अपने उन बच्चों पर कृपा बरसाता है जो अच्छे होते हैं नेक होते हैं, है ना। और माता का एक रौद्र रूप भी होता है जो वो लोग जो किसी को बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी के साथ अन्याय करते हैं ना, उनको चेतावनी देने के लिए, उन्हें बार बार समझाने के लिए, और फिर ना माने तो फिर अपने तरीके से समझाने के लिए माँ का वो रौद्र रूप भी होता है ना। आपने जिस भी रूप में माँ की पूजा की है, आराधना की है, उनको उनकी कृपा पाने की जो कुछ भी आप अपनी तरफ से श्रद्धा रखते हो ना, वो माता को बहुत प्रसन्न करता है। और यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि माता आपसे बहुत प्रसन्न है गाइस। आपको सपने में हो सकता है कि बच्ची का नजर आना, है ना, या छोटी छोटी बच्चियों का नजर आना, बहुत सारी लेडीज का नजर आना, ये माता की कृपा है। या आप अगर खाना भी बनाते हो ना, तो आपके हाथ के खाने में कोई जादू है, बहुत टेस्टी स्वादिष्ट खाना जिससे संतुष्टि मिले किसी इंसान को, तो ये भी बात बताती है कि ये आप पर कृपा है माता की। देखो मैं एक बात कहूँ, अभी आपके मन में अगर थोड़ी अशांति है तो आप क्या करना, लौंग और कपूर पूरे घर में करना गाइस, दिन में एक बार, ठीक है। और माँ कालका के दर्शन किया करो। अगर आपको लगे माँ कालका की फोटो आपके पास नहीं है तो मुझे कमेंट करना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको माँ कालका की फोटो जो है ना वो पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। आप उनके दर्शन करना, उसे सेव कर लेना, रोज दर्शन करना, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, आपकी जो भी इच्छा है ना वो माता पूरी कर देंगे, ठीक है। पास्ट लाइफ, ओके, ये देखो अवेयर हो जाओ गाइस, है ना, अवेयर हो जाओ। आपने कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है अपनी सूझबूझ से, या फिर आपने थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करना सीखा है, ड्रीम में कुछ आपको नजर आ रहा है, ड्रीम के द्वारा माँ काल का आपको कुछ कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम खत्म होती हुई नजर आ रही है, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना उसके बारे में कहा जा रहा है, कितने उलझे हुए मत रहना, जैसा जो चल रहा है बिल्कुल वैसा चलो। हाँ, थोड़ा बुरे लोगों से सतर्क रहकर चलना, खुद के जैसा इतना अच्छा हर किसी पर सोचना मत कि सब कोई अच्छे हैं, ठीक है। नई शुरुआत डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो रही है, प्रॉब्लम धीरे धीरे करके खत्म हो रही है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि एक बार अवेयर होने की कोशिश करो, प्रॉब्लम खत्म हो रही है गाइस। शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, या आपने अपनी स्थितियों का अवलोकन नहीं किया है। माता कह रहे हैं बहुत कुछ गुपचुप आपकी पीठ के पीछे चल रहा है जो आपकी प्रॉब्लम को दिनों दिन खत्म कर रहा है। ये कार्ड कहता है आपका धैर्य, पेशेंस बहुत रखा है, और जो धैर्य रखा है ना उसका परिणाम आपकी लाइफ में बहुत अच्छा खुलकर आएगा, ठीक है ना। खुश रहना, ड्रीम के माध्यम से आपकी कोई चिंता या दुख के खत्म होने के बारे में कहा जा रहा है, बिलीव रखना वहां पर, ठीक है ना जी। आज क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, अचानक होगा गाइस कुछ भी होगा। ये देखो बिल्कुल
निश्चिंत हो जाओगे, इतना ट्रस्ट हो जाएगा, कोई मिरेकल डेफिनेटली गाइस आपकी लाइफ में होगा होगा और होगा रहेगा। ठीक है, कोई नकारात्मकता को आपकी एनर्जी से आप काट रहे हो, आपको खुद को इतना पावरफुल बनाया जा रहा है। ठीक है, कोई बुरी चीज़ आपकी लाइफ से निकल रही है गाइस, डेफिनेटली निकल रही है। आपको इमोशनली फुलफिलमेंट इतना अच्छा, इतना सुपर कहता ना मिलेगा। यहाँ पर नंबर 3-3 का कार्ड आया, जिस भी सिचुएशन में आपको लगता है ना ये टॉवर वाली चीज रही है ना, वहां पर चीजें बदल जाएगी और उसी के ऊपर आया प्लेफुलनेस, वहां पर एक नई शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम तो खत्म होनी है गाइस, जो भी प्रॉब्लम से भिड़ रहे हो, दुखी हो, ठीक है, जूझ रहे हो ना, उससे छुटकारा मिलना तय है। ठीक है, यहाँ पर देखो कहाँ ना लेडीज की एनर्जी आपको नजर आ रही होगी, 3 लेडीज की एनर्जी जो एक सेलिब्रेशन के बारे में बात करती है ना, लाइफ को फिर से अच्छा खुशमय बनाने के बारे में बात करते हैं, लाइट आने के बारे में बात करते हैं कि रोशनी आई लाइफ में, अंधकार खत्म हुआ, परेशानियां खत्म हुई, थोड़ा लाइफ जो है ना वो एंजॉय में जाने लगे, थोड़ा अच्छे वातावरण लाइफ में बनने लगे हैं, लोगों के साथ तालमेल अच्छे बनने लगे हैं, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लाइफ में होने लगी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है तो बड़ा सुखद और अच्छा हो रहा है, जहाँ पर तकलीफें खत्म होती जा रही है। आपको बस एक काम करना है गाइस, एक मेडिटेशन करो और दूसरा जैसे जो परिस्थिति चल रही है बिल्कुल वैसे चलो, ना तो पास्ट के बारे में सोचो ना फ्यूचर के बारे में सोचना, अभी की सिचुएशन आपसे क्या डिमांड करती है उसको आधार बनाकर सोचना। आपको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, लाइफ में सब कुछ बेहतर की तरफ चलेगा आपके। ठीक है, ओके। देखो आपको डर है गाइस कि आप कोई प्रॉब्लम में गिर जाओगे या कोई चोट आपको मिल जाएगी, किसी बात का बहुत बड़ा डर है और उस डर को एंजल्स जो है ना खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी ऐसी परिस्थिति से आपको बचा लिया जाना जिसका खौफ आपको बहुत ज्यादा है। मतलब एक चीज कहूँगा गाइस, इनडायरेक्ट वे में आपकी किसी बात में फतेह मिलना लिखा हुआ है, फतेह, और उसको लेकर ड्रीम आपको मिल रहा है। माँ काल का कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा चिंता में हो और शायद यही वजह है गाइस कि आपको इनडायरेक्टली बार 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 बार, चाहे एंजल्स नंबर के थ्रू चाहे ड्रीम के माध्यम से, आपको बार बार साइन दिए जा रहे हैं कि इतनी चिंता करने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, जब आपके साथ न्याय होना आपके भाग्य में लिखा हुआ है ना। तो आप समय को सिर्फ काटना है, ये जो बीच का समय ऐसा है ना जहाँ पर तकलीफ दिख रही है, इस समय को काटो, क्योंकि जैसा कहा है कि आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट हो चुका है, वो आपको देखने में भी आ जाएगा। सेलिब्रेशन आप बहुत ज़्यादा जल्दी करने वाले हो, 18 तारीख जो है ना ये कुछ विशेष रहने वाली है गाइस आपके लिए, वो सेलिब्रेशन लेकर आएगी 18 तारीख। कोई गुड न्यूज़ हो सकती है आपको मिल जाए, कोई काम बन जाए, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा ही होगा। ठीक है ना, कोई विश पूरी हो रही है गाइस आपके, ठीक है, आपके भाग्य का उदय हो रहा है, जो बहुत सारी हैप्पीनेस के रास्ते आपके लिए खोले, अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी को आपकी लाइफ में लेकर आए, है ना। माता की कृपा बहुत है गाइस, मैं सच कहूँ आप पर, सच्ची में यहाँ पर स्पष्ट महसूस हो रहा है। आप शायद कहते हैं ना कि ज़्यादा पूजा पाठ ना करके जितनी अपनी श्रद्धा है उस हिसाब से जो कुछ भी करते हो ना वो बड़ा प्यारा लगता है उनको, और आप में एनर्जी है गाइस, वैसे ही आप फील करते हो, है ना। माता कह रहे हैं बहुत सी हैप्पीनेस, बहुत सी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी और साथ में आपकी इच्छा को भी पूरा किया जाएगा, या कोई सपना है आपका ऐसा, तो सपने को भी पूरा करने के बारे में कहा जा रहा है, क्रिएटिविटी मैनिफेस्ट किया है आपने, है ना। अगर शादी नहीं हुई ना तो शादी होने के संजोग भी बन रहे हैं आपके। माँ काल का कह रहे हैं हर प्रकार की खुशी वो आपको देंगे, हर प्रकार का सेलिब्रेशन जो आप डिजर्व करते हो, खुशी जो डिजर्व करते हो ना वो आपको मिलकर रहेगी। ये देखो, ये देखो माँ काल का आपकी नकारात्मकता को पूरी तरीके से काट रहे हैं गैस, भगा रहे हैं आपकी लाइफ के कोने कोने से, हर तरीके की नकारात्मकता को, अंधकार को भगा रहे हैं। देखो ये रवानगी हो गई है इसके, है ना, इसने, इस नकारात्मकता ने आपके इमोशंस पर वार किया है, आपकी सुरक्षा पर, आपकी फैमिली की सुरक्षा पर वार किया है, इस नकारात्मकता को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। ये अंधकार इतना सा रहा गाइस, पूरी रोशनी हो चुकी है देखो यहाँ पर, और इनके हाथ में लॉ है ना, और यहाँ पर एक कहते हैं ना कि कोई बंदा जीत जाता है ना तब उसे रिवॉर्ड के रूप में जो दिया जाता है गिफ्ट, वो गिफ्ट इनके हाथ में है कि अब बच्चा परेशान मत हो, सारी प्रॉब्लम्स को खत्म किया गया है, शिव शक्ति का आशीर्वाद है, आपके
दुआओं का फल आपको मिल रहा है, एंजल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, जो सारी नकारात्मकताओं को, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो या किसी तरीके की बुरी आत्मा का या कुछ ऐसा आपको बुरा फील हो रहा है ना, उन सारी नकारात्मकताओं से आपको निजात मिलेगी गाइस। खुश रहो, यहाँ पर आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस हो रहा है। नकारात्मकता बहुत थी गाइस आपकी लाइफ में, उससे छुटकारा मिल रहा है और अब लाइफ आसान हो रही है ना। ओके, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से तकलीफ मिल रही है आपको, ये देखो स्टक हो। ओके, देखो बच्चों से संबंधित अगर कोई तकलीफ हो रही है आपको, या बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, या बच्चे ही दुख का कारण बन रहे हैं, माँ काल का कह रहे हैं कि सबको बुद्धि दी जाएगी, है ना, समझाया जाएगा उनको। मुझे पता है आपके हाल कुछ ऐसे हैं कि आप जस्टिस की प्रे करो तो कैसे करो, आपको डर लगता है कि बच्चों ने कुछ ऐसा बुरा बिहेवियर करा है कि अगर जस्टिस होगा तो इनको क्या कर्मा भोगना पड़ेगा, तो आपको डर भी रहता है, दिल भी दुखता है। देखो बिलीव रखना माँ पर, है ना, बिलीव रखना, उन्हें कोई तरीका मत बताओ, वो आपके दिल के हाल भी जानते हैं, वो भी माँ है, आप भी माँ, है ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो, आपके साथ न्याय होगा, लेकिन इस तरीके का न्याय होगा कि कभी आपके साथ फिर से दोबारा गलत ना हो। किसी को समझाना भी जरूरी है, किसी को अपनी गलती का एहसास भी करवाना जरूरी है, ये बात आप याद रखना गाइस। लेकिन आपके कर्मा कुछ ऐसे अच्छे रहे हैं जिससे आपका दिल ना दुखे और आपके साथ जस्टिस भी हो, ठीक है ना, फिक्र मत करना, कभी कभी समझाना जरूरी होता है गाइस, है ना। तो आपके बच्चे बच्चों को अपनी गलती का एहसास होगा, वो आकर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और आपके भावों को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में एक बात कहूँगा, इसके नंबर 1 के साथ ये कार्ड आया है जो कहता है एक इतना सुखद शांति भरा ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ होना गाइस, जो एक नई शुरुआत की ओर इंगित करे। जैसे ये कहा जा रहा है कि माँ कालका की रहमत, उनकी उनकी आशीष इस तरीके से फलेगी कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें और आपकी लाइफ में खुशी लेकर आए। इस वजह से कहा जा रहा है कि अभी कुछ मत सोचो, एंजल्स नंबर अगर 3-3 ही नज़र आते हैं या सिर्फ 3 की एनर्जी नज़र आती है ना, खुश रहो और निश्चिंत रहो, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जानी है, माँ कालका का बहुत आशीर्वाद आशीषें आपको फलेगी, है ना। खुश रहो, कुछ सडन आपकी लाइफ में आपको खुश कर देने वाला वातावरण बनेगा, उसके लिए रेडी रहना। जहाँ हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा न्याय आपके साथ हो, ठीक है ना। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये रीडिंग हमारी लाइफ में फलीभूत हो, हमारी लाइफ में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो, सारी नकारात्मकता दुख जो है हमारी लाइफ से खत्म हो जाए, पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में रहे, मिरेकल हो, जस्टिस हो और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।